तस्वीर है ख्वाबों के रंगों की, खुशियों की, सपनों की, अपनों की। ये तस्वीर है जादू के लम्हों की, मेरे दिल के सभी कतरों की। मेरे दिल की ये बगिया है जो इस गुलशन की गलिया है, यहाँ हर फूल 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 ब्यूटीफुल। मेरे दिन है और रतिया है सुकून वाली ये निंदिया है, यहाँ हर पल बेटा आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, क्या करते रहते? सारा ध्यान तुम्हारा फोटोग्राफी में लगा रहता है, पूरे पूरे दिन तुम उसमें रहती हो। पढ़ाई का क्या, उसको तुमने कोने में उठा के रख दिया। नीट की तैयारी का क्या होगा बेटा, फोटोग्राफी से कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा, समझी? नीट पे फोकस करो, वो उससे तुम कुछ बन सकती हो। समझ में आया कि नहीं आया? अब नहीं देखूं मैं तुम्हें फोटोग्राफी करते हुए, ठीक है बेटा? ध्यान दो, अब इससे ज्यादा अच्छे से कोई बाप तुम्हें नहीं समझाएगा, समझ रही हो? ये फर्स्ट और आखिरी वार्निंग है, इसके बाद मैं तुम्हें नहीं समझाने वाला हूँ तुम्हें क्या करना है या नहीं करना है। एक बार समझाना था, मैंने समझा दिया, काफी है। अरे थोड़ा सा समझाएंगे क्या, बस उठ के चल दी। आजकल के बच्चे कुछ समझते ही नहीं है माँ बाप को। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। गायत्री, एक्सीलेंट पेपर। I am very disappointed in you. This was not expected. तुम दिन ब दिन हर मॉक टेस्ट के इससे कम होता जा रहा है तुम्हारा मार्क्स। क्या है ये? सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 सुनो, बात करनी थी तुमसे। क्या बात करनी? दुर्वा के बारे में बात करनी थी। उसका आजकल कहीं ध्यान व्यान नहीं रहता पढ़ाई में, उसको नीट की तैयारी करनी है, उसको उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, बस हर वक्त फोटोग्राफी, हर वक्त फोटोग्राफी। तुम समझते क्यों नहीं हो कि फोटोग्राफी उसका पैशन है? अरे पैशन है तो क्या हुआ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है, फोटोग्राफी से वो खुश रहेगी, वो नीट करके खुश रहने नहीं वाली है। अगर वो तुम्हारे लिए नीट भी कर लेगी पर वो जिंदगी में कुछ बन नहीं पाएगी, वो खुश नहीं रह पाएगी। फोटोग्राफी उसका पैशन है। अरे वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगी, तुम समझो तो बात को यार। समझने की जरूरत हमें नहीं, तुम्हें है। अरे यार तुम मेरी बात को तो समझो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। इतना समझा समझा के मेरा यार दिमाग खराब हो गया। उसको समझाता हूँ उसकी समझ में नहीं आता, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रही। क्या करूं मैं, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी, है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे सारे जन्म के मैं भूल आऊंगी। हमारा ऐसे दुनिया के हो ही नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। के जिंदगी Thank you.
अरे दुर्वा ये कब हुआ? अरे सुनो अरे देखो क्या मिला। हाँ मुझे पता है इस बारे में। अरे तो मुझे क्यों नहीं बताया आपने? ये उसने 2 महीने पहले ही ये नैट जियो के कंपटीशन में उसने पार्ट लिया था और देखो वो जीत गई है। हाँ तो ये तो अच्छी बात है लेकिन फिर भी कुछ मुझसे शेयर करना चाहिए था। ये तो गलत बात हुई ना। क्या आप अभी उसे सपोर्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल मैं करता अगर मुझे पता होता कि मेरी बेटी मेरा नाम रोशन कर रही है वो भी इस लेवल पे तो क्यों नहीं करता। मैं हर बात करना चाहेगा। अरे दुर्वा को बुलाओ ना। दुर्वा बेटा ये क्या है? पापा मैं डर रही थी आपको बताने से बट मेरे को फोटोग्राफी में ही इंटरेस्ट है। मेरे से नीट का प्रिपरेशन नहीं होगा। मैं नहीं कर सकती। मेरा पैशन ही फोटोग्राफी ही है। बेटा मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ। तुमने इतना अच्छा करा है मुझे पता नहीं था। मुझे एक्सपीरियंस नहीं था इस बात। थैंक यू पापा मुझे सपोर्ट करने के लिए। हाँ बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू और मुझसे गलती हो गई। हर माँ बाप से होती है। ये बहुत छोटी मोटी बात है अक्सर हम लोग जज कर लेते हैं लेकिन मुझे पता था कि तुम जो भी कुछ करोगी अच्छा ही करोगी। मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ पर ठीक है तुम इसे ही कंटिन्यू करो। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा। फोटोज तो दिखाओ। दुनियादारी को छोड़ पड़ता ही जा रे नियत में शिद्दत हो